21 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित क्षमावाणी के एक कार्यक्रम के दौरान जैन समाज को संबोधित करते हुए जैन कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने उन्हें बधाई तो दी, लेकिन साथ ही ये कहा कि जिस तरह जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, उसी तरह देश में और मध्य प्रदेश में सनातन बोर्ड का गठन भी होना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है सनातन बोर्ड का गठन कर भारत के और प्रदेश के सभी मंदिरों की संपत्तियां सनातनियों के हाथ में सौंपी जाएं, ताकि ये मंदिर सुरक्षित हो सके। सुनिए इस मुद्दे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का ये बयान। ले लिया अक्टूबर में हम जो है कहीं नहीं जाएं, यहीं पर रहकर के भारत में क्रांति खड़ी करने की योजना बनाएंगे। अक्टूबर में दरबार तो लगेगा पर कम समय के लिए लगेगा, हम यहीं रहकर योजना बनाएंगे और भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए आने वाले 20 साल में हम लोगों को क्या करना है इसकी हम योजना तैयार करेंगे, ताकि मंदिर हिंदुओं के आधीन हो। हिंदू धर्मावलंबी अगर मंदिर की सेवा करेगा, मंदिर का कारभार देखेगा, तो वो पूजा पाठ में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को नियमित रूप से पवित्रता की जांच कर पाएगा। धर्म विरोधी कोई जो है नास्तिक अगर देखभाल करेगा तो वो धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी करेगा। इसलिए सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। वक्त बोर्ड हो सकता है, मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार जैसे हमारे ही प्रिय जिस समुदाय को हम हृदय से मानते हैं जैन बोर्ड, जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी ने कहा है, उसी आधार पर अब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। इससे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, तीर्थ स्थल सुरक्षित रहेंगे, मंदिरों पर मस्जिद और चर्च नहीं बन पाएगी, फिर खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको रहने का अधिकार है, जोड़ने का अधिकार है,